स्टूडेंट्स या सिमेंटिक एनालाइजर यूज द सेंटेक्स ट्री। ये सेंटेक्स ट्री को इस्तेमाल करता है, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो आपका सेंटेक्स एनालाइजर है वो सेंटेक्स ट्री जनरेट करता है, वो सेंटेक्स ट्री जनरेट करता है। तो इस सेंटेक्स ट्री को सेंटेक्स सिमेंटिक एनालाइजर इसको इस्तेमाल करता है और वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करता है जो आपके सिंबल टेबल में पड़ी होती है। किसके लिए? टू चेक द सोर्स प्रोग्राम फॉर सिमेंटिक कंसिस्टेंसी विद द लैंग्वेज डेफिनेशन। लैंग्वेज डेफिनेशन स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। या हम अगर लैंग्वेज डेफिनेशन की बात करें तो दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो आवाज सही नहीं आ रही। अब बताइए, अब आ रही जी। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सिमेंटिक एनालाइजर की। तो ये सिमेंटिक एनालाइजर सिंटैक्स ट्री से डेफिनेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा और आगे फर्दर उसको यूज करेगा और सिंबल टेबल से भी ये इंफॉर्मेशन को लेगा। और किसके लिए लेगा? कि आपका जो सोर्स प्रोग्राम है उसमें लैंग्वेज डेफिनेशन जो है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए और स्पेशली सिमेंटिक कंसिस्टेंसी को चेक करने। अच्छा, ये समय पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज डेफिनेशन की। स्टूडेंट्स दो तरह की लैंग्वेज डेफिनेशन, एक तो आपकी जो सोर्स कोड में आपने लैंग्वेज अप्लाई की हुई है, आपकी जो सोर्स कोड जिसमें आपने सोर्स कोड लिखा है वो आपकी लैंग्वेज और उसमें आपने आपकी क्या क्या डेफिनेशन हैं, क्या क्या आपकी वजारते हैं, कौन सी आपके रूल्स हैं, कौन सी चीजें, एक तो हम उसकी बात करते हैं। दूसरी जो लैंग्वेज डेफिनेशन है वो आपकी इंटरनल जिसको आपका कंपाइलर फॉलो कर रहा है और ये स्पेशली हमारे सामने आएगी जब हम आगे फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि हम ऑटोमेटा को यूज करेंगे और वहां पे आप ऑटोमेटा में रीड आउट कर चुके हैं कि लैंग्वेजेस डिफाइन की जाती हैं और ये जो कंपाइलर होते हैं ये आपके कंपाइलर उन्हीं लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और उन लैंग्वेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करते हैं। तो ये वो लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप सोर्स प्रोग्राम लिख रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। उस सोर्स प्रोग्राम के अंदर ये लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखेगा। मसलन जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसको आप यूज कर रहे हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप उसको यूज कर रहे हैं और दूसरा जो उसके साथ ऑपरेंड है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड है, तो फिर देन उनकी जो कन्वर्जन होनी है इंटीजर से फ्लोट की तरफ ये सारी डेफिनेशन है। इस चीज को लैंग्वेज क्या कहती है, लैंग्वेज किस तरह कहती है कि आप इसको इस तरीके से हैंडल करें, तो उसी तरीके से ये सिमेंटिक एनालाइजर उसको हैंडल कर देगा, उसको उसी तरीके से हैंडल करेगा। तो ये सारी चीजें या सिमेंटिक एनालाइजर इस चीज को चेक कर रहा है। इट आल्सो जनरेट टाइप इंफॉर्मेशन एंड सेव इट इन आदर द सिंटैक्स ट्री आर द सिंबल ट्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका टाइप इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा। टाइप इंफॉर्मेशन क्या चीज है ये अभी आ रही है, आगे फर्दर हमारे पैराग्राफ में ये चीज आ रही है, इसको देखते हैं। और फर्दर ये जो इंफॉर्मेशन है आगे यूज होनी है, जितनी भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा आपका उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो ये जनरेट करेगा टाइप इंफॉर्मेशन, ये आगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाएगी। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो सिमेंटिक एनालाइजर है इसने इंफॉर्मेशन लेनी है सिंबल टेबल से जो कि हमारे पास और सिंटैक्स ट्री से, उसको यूज करना है और इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है किसके लिए, आगे जो इंटरमीडिएट जनरेशन होनी है, कोड जनरेशन होनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। ये सारा काम अभी होना। यहाँ देखें एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिमेंटिक एनालिसिस इज टाइप चेकिंग। यहाँ वही बात आ गई स्टूडेंट जिसकी मैंने अभी आपसे बात की कि अभी ये लैंग्वेज डेफिनेशन है। टाइप चेकिंग क्या है? वेयर द कंपाइलर चेक दैट ईच ऑपरेटर हैज मैचिंग ऑपरेंड्स। स्टूडेंट्स ऑपरेटर भी आप जानते हैं, ऑपरेंड्स भी आप जानते हैं, जैसे आपके पास प्लस का सिंबल है ऑपरेटर है, इसको ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट राइट साइड पे दो ऑपरेंड होने चाहिए। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ बात हुई कि एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का आप ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, तो
सिमेंटिक एनालाइजर में इस चीज को चेक करना है कि क्या ये दोनों जो ऑपरेंड हैं ये मैचिंग है ऑपरेंड ऑपरेटर के साथ। अब आप जानते हैं कि अगर आप दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल आप ऑपरेंड इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको बड़ी आसानी से उसके ऊपर ऑपरेशन कर देता है। और फिर अगर आप ऐसा नहीं करते, आप एक इंटीजर इस्तेमाल करते हैं और एक फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यह प्रॉब्लम है। इस चीज को चेक करना है सिमेंटिक एनालाइजर में कि क्या ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इसके जो दोनों ऑपरेंड्स हैं क्या वो मैचिंग है। अगर है काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसके साथ क्या होंगे। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन रिक्वायर्स एन अरे इंडेक्स। अच्छा यहाँ एक और भी है, टू बी एन इंटीजर। आप देखें यहाँ एक और एग्जाम्पल दी उन्होंने कि आप अरे के अंदर इंटीजर इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल आपने अरे बनाया है, इंटीजर टाइप का आपने अरे बनाया है, तो उसके अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेंगे। और अगर आप इंटीजर टाइप की स्टोर नहीं करते, आप फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू स्टोर करते हैं, तो फिर देन ये एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को चेक किसने करना है, सिमेंटिक एनालाइजर में। देखिए द कंपाइलर मस्ट रिपोर्ट एन एरर इफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज यूज्ड टू इंडेक्स एन अरे। कि अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहे हैं, किसी इंडेक्स पे भी आप स्टोर कर रहे हैं, अगर वहां पे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जाता है तो सिमेंटिक एनालाइजर आपको फौरन बता देगा कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये एरर है। इसी तरह जैसे अभी मैंने बात की कि आपके वेरिएबल्स भी दोनों सेम होने चाहिए, अगर नहीं है इसको सिमेंटिक एनालाइजर चेक करो। देखिए जैसे यहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में परमिट सम टाइप कन्वर्जन, जैसे टाइप कन्वर्जन होती है आप जानते हैं स्टूडेंट्स के, टाइप कन्वर्जन आप इंटीजर में दे रहे हैं तो उसको इम्प्लिसिटली कंप्यूटर खुद भी उसको कन्वर्ट कर देता है, या एक्सप्लिसिटली आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। इम्प्लिसिटली कौन कन्वर्ट करता है, ये आपका सिमेंटिक एनालाइजर है। लेकिन उससे पहले चेक भी इसने करना है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपका ये जो ऑपरेंड है ये इंटीजर टाइप का है और दूसरा आपका जो है वो फ्लोट टाइप का है, अब इसको कन्वर्जन होनी है। तो ये सारी चीजें कौन चेक कर रहा है, ये सिमेंटिक एनालाइजर चेक कर रहा है। और इस कन्वर्जन को पर्किंस का नाम दे रहे हैं, और पर्किंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के जबरी किसी चीज को किसी अमल में ला देना। जैसे मैंने अभी कहा कि इम्प्लिसिटली आपकी कन्वर्जन होती है, आप इंटीजर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल देते हैं दूसरा फ्लोट टाइप का, तो इंटीजर टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट होना है। अब ये इम्प्लिसिटली हो जाएगा, ये कंप्यूटर खुद ही कर देगा, ये कन्वर्जन होनी है। यही यहाँ पे वो बात कर रहा है। अब बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे आपका प्लस है मे बी अप्लाई टू आइदर अ पेयर ऑफ इंटीजर, ये दो इंटीजर पे अप्लाई हो सकता है, आर टू अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे इस्तेमाल हो सकता है इफ द ऑपरेटर इज अप्लाइड टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेकिन अगर आपने उसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है और दूसरा आपका इंटीजर टाइप का नंबर है, द कंपाइलर मे कन्वर्ट और फॉर द इंटीजर इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फिर उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में उसको कन्वर्ट होना है। और ये काम किसने करना है, सिमेंटिक एनालाइजर ने करना। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिमेंटिक एनालाइजर है, इसने क्या किया हुआ है, आपके बोई टोकन्स हैं उनकी एक ट्री बनाई हुई है, और इस ट्री में आप देख रहे होंगे कि आपका ये जो आपका कॉन्स्टेंट था हमारे पास 60, इसको वो कन्वर्ट कर रहा है इंट टू फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और किसने कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो आईडी 3 था जिसको हमने रेट के नाम से ऑपरेंड बनाया हुआ था, तो ये यकीनन आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ये ऑपरेंड होगा। इस वजह से ये चूंकि इसने आपके 60 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और ये आईडी 3 पे जो रेट का हमारा ऑपरेंड पड़ा हुआ है वो फ्लोट का है, और ये 60 जो है ये हमारा इंटीजर टाइप का है, इसलिए 60 को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये काम भी इस सिमेंटिक एनालाइजर को। स्टूडेंट्स सिमेंटिक एनालाइजर ये वही बात है जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं,
जैसे हमारी एक पीछे एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन निकलती आ रही है, हम उस पर बात करें जिसमें हमारे पास पोजीशन का ऑपरेंड है, निश्चित ऑपरेंड है और रेट का ऑपरेंड। तो ये आपके वो कहता है कि फर्ज कर लें कि आप डिक्लेयर्ड है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके साथ एंड दैट द लेग्स जो आपके पास 60 है बाय इटसेल्फ फॉर्म्स एन इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का है। तो फिर यहाँ पे टाइप चेकर इन द सिमेंटिक एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर में जो आपका टाइप को चेक करने वाला है वो क्या करेगा, डिस्कवर दैट द ऑपरेटर स्टेरिक इज अप्लाइड टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रेट एंड एन इंटीजर 60। तो फिर ये वो देख लेगा कि एक तरफ तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर रेट फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है और दूसरी तरफ हमारे पास इंटीजर टाइप का नंबर है। तो फिर इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द इंटीजर मे बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फिर इस इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे नोटिस दैट द आउटपुट ऑफ द सिमेंटिक एनालाइजर हैज एन एक्स्ट्रा नोड फॉर द ऑपरेटर इनटू फ्लोट। तो यहाँ पे एक नोड जो है ये इंट टू फ्लोट जिसमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है उसके लिए यहाँ पे एक नोड लगा दिया गया, एक एक्स्ट्रा नोड लगा दिया गया है और ये किसने लगाना है, इस सिमेंटिक एनालाइजर ने लगाना है विच अप्लाई कन्वर्ट्स इस इंटीजर आर्गुमेंट्स इनटू द फ्लोट। कोई बात आगे स्टूडेंट्स कि ये इसको इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज द सिमेंटिक एनालाइजर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये करेगा, कैसे करेगा ये आगे फर्दर लेक्चर्स में हमारे सामने आएगा, हम इसको प्रैक्टिकली इसको करेंगे। फिलहाल हम इसको एक रिव्यू के तौर पर देख रहे हैं ताकि जब हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ आप आएंगे तो हमारे जहन में ये चीज रहेगी कि किसने क्या काम करना, किसके जिम्मे क्या काम है, किस लेवल पे क्या काम करें। और स्टूडेंट्स ये अभी फिलहाल हम इनको एक शॉर्ट सा व्यू देख रहे हैं, आगे अगले दो तीन लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इनको डीपली देखेंगे। और इनका जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिक के साथ क्या तल्लक बनता है, हम उस तल्लक को भी देखेंगे प्रैक्टिकली, हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन पे काम करते रहे। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या हमने देखा कि सिमेंटिक एनालाइजर जो है वो एक सिमेंटिक ट्री जनरेट कर रहा है और इस सिमेंटिक ट्री से आगे एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होना है। इंटरमीडिएट कोड या इसको हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का नाम दें तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये कौन काम कर रहा है, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि जो प्रोसेस पीछे से चलता आ रहा है, आपने देखा लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट किए, सिंटैक्स एनालाइजर ने सिंटैक्स ट्री जनरेट की, यहाँ पे सिमेंटिक ट्री जनरेट हुई, अब कोड इंटरमीडिएट कोड ये एक दरमियानी शक्ल है आपके सोर्स कोड की वो जनरेट हो रही है और ये इसने करनी। अब याद देखिए आफ्टर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम मैनी कंपाइलर जनरेट एंड एक्सप्लिसिट लो लेवल और मशीन लाइक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन लो लेवल। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपकी लो लेवल, अगर हम लैंग्वेज को देखें हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल को देखते हैं तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में मुख्तलिफ लैंग्वेज आते हैं जिसमें आप मोस्टली अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। और इसी तरह अगर आप देखें अपनी लो लेवल लैंग्वेज में तो हमारे पास जैसे असम्बली लैंग्वेज है तो उसी तरह ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आती है। तो यहाँ जो है ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है ये इस तरह की कुछ लो लेवल प्रेजेंटेशन में हमारे सामने कोड आ रहा है, हमारा सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे इस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है। और इसमें जो स्पेशली हमारे सामने आएगी वो ये हमारे सामने आगे चीज आ रही है थ्री एड्रेस कोड की फॉर्म में, ये हमारे सामने इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आएगी थ्री एड्रेस कोड। स्टूडेंट थ्री एड्रेस कोड ये होता है कि आप किसी भी जो आपकी एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट है उसको थ्री कोड्स की शक्ल में उसको उसके ऊपर काम किया जाता है और ये आपका इंटरमीडिएट कोड है। ये थ्री बताइए इसको हम थ्री एड्रेस कोड का नाम देते हैं।
इसमें मोस्टली आपके तीन जो है वो आपके जगह इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम रजिस्टर कहें, जिसको हम कोई लोकेशन कहें, वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि और स्पेशली हम इनको एड्रेसेस का नाम देते हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इससे ये होता है कि आप जब इस थ्री कोड एड्रेस को यूज़ करते हैं तो फिर देन जब हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है ये आगे आ जाएगा हमारे सामने। फिर वक्त यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करके देख लेते हैं कि थ्री एड्रेस कोड इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कोड। ये आपका इंटरमीडिएट कोड है, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है विच इज ईजी टू जनरेट, जिसको आसानी से जनरेट भी किया जा सकता है एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू मशीन कोड, और फिर देन इसको आसानी से 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो ये थ्री एड्रेसेस को यूज कर, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एड्रेसेस की बात करें तो ये स्पेशली हमारे वो ऑपरेंड्स है या वो वेरिएबल्स है जो आपके मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो हमेशा एड्रेसेस जो होते हैं उनका तल्लक मेमोरी रैम से होता है, उनका मेमोरी से तल्लक होता है, और जो रजिस्टर्स होते हैं उनका तल्लक जो है वो आपके प्रोसेसर के साथ होता है। तो यहाँ पे हम दो लफ्ज अक्सर बोला करेंगे, एड्रेस और रजिस्टर। तो ये दो चीजों में जरा फर्क रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप इसको देखते रहिए, इसको सामने रखिएगा। तो यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड यानी तीन लोकेशन हमें मिल रही है रैम से, हम उसके हिसाब से उसी के हिसाब से ये कोड जो है जनरेट किया जा रहा है एंड वन ऑपरेट टू रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू कंप्यूटर एट द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन टेम्पररी वेरिएबल जनरेटेड बाय द कंपाइलर। और फिर यहाँ किसी एक्सप्रेशन से या किसी भी कंप्यूटेशन से हमारा कोई रिजल्ट जनरेट होता है तो उसके लिए भी एक लोकेशन जो है वो हमको वो यूज की जाएगी, और वहां पे जो रिजल्ट बनेगा हम उसको वहां पे जाके स्टोर कर देंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे 8 to float ये हमारे पास 60 है, ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसको एक एड्रेस पे स्टोर किया जा रहा है, T1 पे इसको स्टोर किया जा रहा है, T1 पे इसको स्टोर किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स ये एक एड्रेस बना लिया गया है, एक लोकेशन बना ली गई है मेमोरी में, इसमें जाके ये स्टोर हो रहा है, और T1 जो है अब चूंकि 60 समझ ले यहाँ T1 में आ गया, फ्लोट में चेंज होकर T1 में आ गया, तो इस T1 को देन मल्टीप्लाई किया जा रहा है ID3 के साथ। अब ये यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन के जरिए से जो रिजल्ट बनेगा ये दूसरे एड्रेस पे चला जाएगा जो हमारे पास T2 है, इसमें चला जाएगा। अब यहाँ इस T2 को ID2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ID3, ID2, ID1, ये आपको याद होगा कि हमने सिंबल टेबल में हम इसको डिस्कस किया था कि ये वहां पे सिंबल टेबल में ये हमारे आइडेंटिफायर्स के नाम से ये ऑपरेंड्स पड़े हुए हैं, ये उनका नाम। तो हमने देखा कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि यहाँ पे इनको जो सिंबल टेबल है इसके अंदर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आइडेंटिफायर्स के पड़े हुए हैं उनको हर कंपाइलर का फेज यूज करेगा, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है ये यहाँ पे वो आपके वहाँ सिंबल टेबल से इनको लेके यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल ये T2 जो हमारे पास सेकंड एड्रेस है इसको लेके यानी इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो लेके ID2 को इन दोनों को जमा करके थर्ड एड्रेस के ऊपर जाके उसको स्टोर किया जा रहा है, T3 के ऊपर उसको स्टोर किया जा रहा है। अब बिग बैंग स्टूडेंट्स यहाँ पे T3 को लेके जो यहाँ पे जमा के वैल्यू आई है इसको ID1 में जाके स्टोर किया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ आपसे क्वेश्चन है, ये ID1 पे क्या पड़ा है आप बता सकते हैं प्लीज? इसका रिजल्ट पड़ा है जी, ID1 पे रिजल्ट पड़ा, क्या रिजल्ट पड़ा? सर नहीं, T3 में जो ऊपर से सारा कैलकुलेट होके आया था वो वाला रिजल्ट जो था वो ID1 को देखा। अच्छा अगर हम यहाँ रिजल्ट नहीं रखते तो शुरू में पहले इस पे क्या पड़ा होगा? यानी अगर मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट स्टोर नहीं करता तो, अच्छा ये ID1 जो इसका तल्लक किस चीज के साथ है ये बताइएगा तू।
टोकन का कंसेप्ट है आपको। तब वो वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ मैंने। कोई और बता दे। चलिए आपने, आपका नाम क्या है? अच्छा, हेलो, जी सर। बाकी लोग मौजूद हैं? अच्छा, जी कोई बता दे आप प्लीज। इस चीज को देखें, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। जब तक अभी तो हम मुश्किल की तरफ नहीं गए, और ये भी जेहन में रखें कि ये यकीनन सब्जेक्ट जो है वो आपका मुश्किल है। अब इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा तो फिर आगे फर्दर आप कैसे इसको करेंगे? और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो टोकन में इस चीज़ का तल्लक है। मैंने शुरू पहले लेक्चर में ही हम उसको देखा था दूसरे में, कि ID 1 जो है उसमें हमारे पास एक ऑपरेंड है, ये आइडेंटिफायर है, किसी ऑपरेंड का आइडेंटिफायर है, और उस ऑपरेंड का नाम आपको याद होगा पोजिशन है। सिंबल टेबल में हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है इस आइडेंटिफायर पे, इस वन लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास ऑपरेंड है और उसका नाम पोजीशन है। इस तरह ID 2 पे भी हमारे पास एक ऑपरेंड पड़ा है सिंबल टेबल में, उसका नाम इनिशियल है, और ID 3 पे हमारे पास एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है सिंबल टेबल में, उसका नाम रेड है। काइंडली प्लीज इन चीज को रीड आउट करें। लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, उनको रीड आउट करें, दोबारा दोबारा सुने, आगे फर्दर मुश्किल से मुश्किल चीजें आती जाएंगी। ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करें। बहरहाल ये सिंबल टेबल में हमारे पास ये आइडेंटिफायर्स पड़े हैं, ये उनके ये ऑपरेंड्स के समझ लें दूसरे नंबर पे नाम है, ये ID ऑपरेंड का नाम है, और वहां पे सिंबल टेबल में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है ये इस नंबर से पता चलता है। 12 यहाँ पोजीशन पड़ा, और ये T1 जो है और ये T2 जो है, ये T3 जो है, ये यही 3 एड्रेस जो है, ये हमारे 3 एड्रेसेस हैं, और एड्रेसेस हमेशा आपके मेमोरी में बनते हैं। तो जब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा उसके लिए ये 3 एड्रेस जो है वो स्कीम इस्तेमाल की जाएगी, यानी 3 एड्रेसेस को यूज करते हुए ये आगे इंटरमीडिएट कोड जनरेट किए जाएंगे। कैसे होंगे आगे आ जाएंगी हमारे सामने की चीजें। बहरहाल तो यहाँ पे फ्लोट जो है, ये जो हमारे पास इंटीजर था इसको कन्वर्ट करके पहले एड्रेस पे स्टोर किया जा रहा है, फिर T1 यानी यहाँ पे जो इस एड्रेस पे जो वैल्यू 60 आई है ये इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो सिंबल टेबल हमारे पास है उसकी ID 3 पे जो वैल्यू पड़ी सॉरी ऑपरेंड पड़ा है रेट के नाम से, उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको, और रिजल्ट को इस सेकेंड एड्रेस पे जाके स्टोर किया जा रहा है T2 के अंदर। अब T2 पे जो ये मल्टीप्लीकेशन होके आई है, इसको आगे ID 2 जो सिंबल टेबल में हमारे पास इनिशियल का ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसके साथ जमा करके T3 जो रैम में हमारे पास एड्रेस है उस पे जाके स्टोर किया जा रहा है, और फिर इसी एड्रेस से वैल्यू को उठा के यहाँ पे इसको जो हमारे पास ID 1 पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है पोजिशन के नाम से उसमें जाके स्टोर किया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। आप इसमें जो नोटेबल जो चीज है, जी सही, जो 3 एड्रेस कोड है ये हमारे जो ये T1 डी वाले हैं। जी जी हाँ, ये आपके एड्रेसेस हैं, कोड नहीं है, आप इसको कोड ना कहें, ये कोड नहीं है, ये एड्रेसेस हैं T1 T2 T3, ये एड्रेसेस हैं। अच्छा, ये कोड कैसे बन गया? ये सारी चीजें मिला के एक कोड बन गया, ये सारी चीजें मिला के एक कोड बन गया। इसमें ये 3 एड्रेसेस कोड इसको क्यों कहा गया है कि इसमें 3 एड्रेसेस यूज किए गए हैं, ये 3 एड्रेस आप इसको T1 को कहें ये 3 एड्रेस कोड है, तो ये T1 कोड नहीं है, ये आपका एड्रेस है। कोड क्या चीज है? ये सारी चीज जो आपको नजर आ रही होगी ये सारा कोड है, और ये 3 एड्रेस कोड है, ये आपका 3 एड्रेस कोड है। क्लियर? जी सर हाँ, इन चीजों का प्लीज ख्याल रखें। ये आगे अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, इसको अभी से पढ़ें, अभी से समझें। मैंने आपको बुक सेंड किए हैं, मैं और भी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, उनको रीड आउट करें, ये बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कोई और बुक हमारे और भी हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगा, जैसे जैसे वो चीज़ आती रहेगी हम उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स अगेन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे यहाँ पे जो हमारे सामने ये है, यही वो बात है जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की है, या आपकी बुक से मैंने ये
टेक्स्ट उठाया, तो आपके जब आप बुक को रीड आउट करेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी कि लफ्जों का आपको पता होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है मैं आपको ये चीज प्रोवाइड ना कर सकूं, तो लिहाजा इनको गौर से समझ लीजिएगा। देयर आर सेवरल पॉइंट्स वर्थ नोट अबाउट सी एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे वो कहते हैं पॉइंट्स को आपको समझना है इस प्री एड्रेस कोड के हिसाब से। फर्स्ट, ईच प्री एड्रेस असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हैज एट मोस्ट वन ऑपरेंड ऑन द राइट साइड, के किसी भी एड्रेस के ऊपर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसकी राइट साइड की तरफ आपके पास कोई ऑपरेंड होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर। अच्छा, ये 60 को हम ऑपरेंड कह सकते हैं, हेलो हेलो सर, ये इंट क्लोथ है, ये हमारा ऑपरेंड होगा। ओहो, वेरी सैड, ये 60 भी हमारा ऑपरेंड, वेरिएबल्स भी ऑपरेंड्स होते हैं, आपकी कोई वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं, ये भी हमारी ऑपरेंड्स। ये इंट टू फ्लोट, ये तो आपकी डेटा टाइप्स हैं, और ये यहाँ पे ये डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पे ये तो आपकी कन्वर्जन के लिए, यहाँ पे जो आपका टाइप कन्वर्जन है उसमें ये नोड लगाया हुआ, ये चीज ये आपका ऑपरेंड नहीं है, ये 60 आपका ऑपरेंड है। एक्सप्रेशन की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो आपकी एक्सप्रेशन जो होती है कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, मसलन जैसे आपके पास a प्लस टू है तो ये a प्लस टू ये सारी आपकी एक्सप्रेशन है, इसमें आपके ऑपरेंड्स भी ऑपरेटर्स भी हैं, a आपका ऑपरेंड है, टू आपका ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये आपका ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, तो इनके कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये जो आपका टाइप कन्वर्जन है ये उसने लगाया हुआ है, ये आपका ऑपरेंड नहीं है, या यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये आपको समझाने के लिए कि इस 60 में कन्वर्ट होना, और ये कन्वर्जन इसलिए आपके पीछे जो सिमेंटिक एनालाइजर ने बताया है भाई ये 60 जो है ना ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इसको कन्वर्ट करो, इसलिए जो आपका टाइप कन्वर्टर है उसने इसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए लिखा हुआ है, ये हमारा ऑपरेंड नहीं, 60 हमारा ऑपरेंड है। जी सर, 60 हमारा ऑपरेंड है, और ये यहाँ उसने कहा है कि पहली बात तो ये है कि आप प्री एड्रेस में जब असाइनमेंट का काम करेंगे, यानी प्री एड्रेस में से किसी एड्रेस पे आप कोई वैल्यू रखते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आप असाइन करें इस T1 की लोकेशन पे,